सबको गुड मॉर्निंग गाइस। और मैं थोड़ी आराम से बात करता हूँ बिकॉज अभी हो रहे सुबह के 3 बज रहे हैं और आज से रमज़ान स्टार्ट है। आप सभी को रमज़ान मुबारक हो। और आज से मैं कुछ दिन लगातार फास्टिंग रखने वाला हूँ, तो मैं जिम भी नहीं जाऊँगा। और मैं सोच रहा हूँ जो ये रमज़ान का मंथ होगा उसके डेली ब्लॉग्स आएंगे। तो सलाम सत श्री अकाल के जो नमस्ते, स्वागत करता हूँ आपका एक नए ब्लॉग में। आज हम फास्टिंग करेंगे और डेली ब्लॉग्स आएंगे 6 बजे तक। और अभी मैं सुबह उठाऊँ, मैं भी कुछ खाऊँगा, थोड़ा सा लाइट खाना है, कुछ ज़्यादा हैवी नहीं खाऊंगा। ब्रश व्रश कर चुका है, मम्मी भी उठ गई है, अमन भी उठा है। रमज़ान स्पेशल 30 days 30 vlog ऑन द वे वेटिंग फॉर यू। तो अभी कुछ खाता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। है तू कौन है? तू कौन है? कौन तू कौन है? तू कौन है? ले 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 सुना क्या? जल्दी कर फिर घूमने भी चलेंगे। आई होप आप सभी लोग ठीक हो। A few moments later क्या खाएगा? गोश्त, मछली, अंडा, पावर और भात, दाल और दूध, केला और बस। भाई रोजा रखना है, भिखारियों का वो चंदा नहीं। इतनी डिमांड ये खाएगा। तो बस केले और दूध रखे, वही खाना है। 3 hours later हाँ, तो मैं आपको बता रहा था मैं सुबह 3 बजे उठाऊंगा क्योंकि आज पहला रमज़ान है। आप सभी को पता है रमज़ान क्या होता है। 6 बजे करीब फिर थोड़ा सा वॉक पे आया हूँ। और ये जो 30 दिन रहेंगे ना रमज़ान के, मैं प्रॉपर ब्लॉग डालने वाला हूँ कंटिन्यू 30 दिन। आपको हर रोज शाम को 6 बजे ब्लॉग मिल जाएगा, तो रेडी रहना। देखते हैं क्या एक्सपीरियंस मिलता है, आई होप अच्छा ही हो। हाँ गाइज, मुझे ना एक चीज दिखानी थी तुम्हें। एक अफ्रीकन है जैसे यार, थोड़ा देख के ना दया सा आ रहा है। वो बंदा एज ए यहाँ कपड़े सेल्स करने के लिए आया था, बट वो यहाँ फंस चुका है। तो हम थोड़ा सा उससे पूछते हैं, अगर हमसे हेल्प हो सकेगी तो करेंगे और आपसे भी अगर हेल्प हो तो करना जरूर। वो वहाँ है, वो आ रहे हैं अभी, तो हम उनसे बात करते हैं। पहले मैं तो उनसे परमिशन लूंगा कि मैं वीडियो बना सकता हूँ, अगर आपकी परमिशन है तो। अगर परमिशन देते हैं तो वीडियो शूट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आई एम गोइंग टू होम टू रिचार्ज माय फोन टू बैलेंस। नेक्स्ट मॉर्निंग यू मीट टुडे हियर टू कॉल अस योर फैमिली to talk with him, okay? No problem. That's why I'm asking you to come here to want to talk, because I know you are very kindly. The people cannot understand you. Maybe they will understand me. Okay, but I understand you. अगर भाई कोई है तो वैसे हो गई प्रॉब्लम सॉल्व हमारी। इनको जस्ट कॉल करनी है अपनी फैमिली को। तो मैं इनकी कल बात करवाऊँगा। मेरे फ़ोन में बैलेंस, इनके फादर पॉलिटिशियन है वहाँ के, जैसे गवर्नमेंट में पॉलिटिशियन है। इनको बस कॉल करना है उनको कि पैसे भेजने के लिए। इनके पास सब, यू हैव अ वीज़ा, पासवर्ड, ऑल थिंग्स आर देयर। यू नीड टू फोन टू कॉल अस, गिव सम मनी। इनको बस पैसे ही चाहिए, तो हम कुछ जुगाड़ करते हैं यार, क्योंकि एक मिनट का लगता है अफ्रीका में कॉल करने का 50 रुपये। तो समथिंग कम से कम 500 रुपये चाहिए 10 मिनट बात करने के लिए, इन्फॉर्मेशन करने के लिए। तो कुछ करते हैं भाई। वो जा रहे हैं और सब इनको पागल समझते हैं, इसलिए कोई इनसे बात भी नहीं करना चाहता। वो वहीं पे बैठे पड़े थे यहाँ पे, तो हमने बात करी तो मुझे फील हुआ यार ये बंदा अच्छा है, बट बंदा कोई बात नहीं करता इससे। आज मैंने इससे बात करी, कल भी मैं आपको दिखाता हूँ। बिकॉज भाई मदद करो, कौन से पोजीशन में फंसा पड़ा है कोई समझ नहीं सकता। मैं आ चुका हूँ घर और ये अभी तक सोया ही पड़ा है। ये गया नहीं था मेरे साथ घूमने के लिए। कल जाएगा कह रहा है, कल चलेगा, देखा जाएगा, मतलब नहीं जाएगा अब ये लग रहा है ना। मैं तो वहाँ से आके सो गया था और फिर अभी उठाऊँ, 12-15 हो रहे हैं और अब जा रहा हूँ नहाने के लिए। और वैसे दाढ़ी बहुत बड़ी हो रही है यार, बट अभी कटवा नहीं सकते 1 महीने तक बाल भी, तो वैसे अच्छा तो लग रहा हूँ। अगर आफ्टर ईद ही कटवानी पड़ेगी। अब आधा टाइम गुजर गया फास्ट, अभी पता भी नहीं चला है मुझे। जो भी होगा अपडेट आपको मिलता रहेगा ब्लॉग। यहाँ तक ब्लॉग देख लिया ना तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यार जाओ फॉलो करो, फॉलोअर्स बढ़ाओ भाई के थोड़े बहुत। तो भाई हम रेडी हो चुके हैं, कैसा लग रहा हूँ कमेंट करके बताना। और अमन कपड़े पहन रहे हैं, चले पापा जा रहे हैं साथ में। जा रहे हैं रास्ते में, थोड़ा चल के जाएंगे, उधर से भी चल के आएंगे बिकॉज चल के जाना अच्छा होता है, ऐसा बोलते हैं ना भाई। भाई फाइनली मस्जिद पहुँच गया, वहाँ अंदर एंटर करते और नमाज पढ़ते हैं, फिर आपसे मिलते हैं फुर्सत के साथ, क्योंकि अंदर शूट करने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। नमाज हुई कंप्लीट हमारी, अब हम जा रहे हैं घर। और हमें कैलेंडर भी मिल गया अमन के हाथ में, ये रहा, जिससे हमें पता चलेगा कि टाइमिंग क्या है, सहरी और नमाज की टाइमिंग क्या है। तुम भी कभी ट्राई करना, कहीं मंदिर मस्जिद जाते हो आसपास हो तो पैदल जा सकते हो, अच्छा लगता है पैदल जाने में। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप लोगों को अच्छा नहीं लगा है क्योंकि आप लोगों के पास गाड़ी होगी, प्लस गाड़ी रहते हुए आप लोगों को पैदल जाना। हमारे पास वो भी नहीं है। A few moments later. इसको यही काम है हमारे घर आके। देखो भाई, कार्रवाई करनी है इसको, कौन सा सामान रखा है। कल मेरा वॉलेट रखा था, उसको लेके उसका आधार कार्ड ये सब निकाल के ये सब कर रही थी। हने हने नहीं 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 भाई, ये देखो हम रेस्ट कर रहे हैं और हमारे साथ कौन रेस्ट कर रही है, मिस हनी। ये ना तब से खेल रही है इधर उधर और ये हमारे बीच में आके खुद से लेट जा रही है। और रहने दो उसको, छोड़ दो, वो जो कर रही है उसको करने दे। मिस हनी भाई हमारे, छोड़ देना भाई हमारे, ऑन कैमरा मार खाएगा, अच्छा लगेगा। ये खेल रही है खुद से आके, लुक है, बोलो सब्सक्राइब। तो भाई हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। अमन शेफ है भाई। अमन इधर देखो जनिक, क्या बन रहा है। मामा भी आ गए हमारे। कहाँ थे मामा? पैर हाथ धो जाओ, पैर धो भाई। बनेगा आज ब्रेड पकौड़ा, कचरी, चना चूड़ा, दिल्ली वाली लैंग्वेज में। अभी जो बनेगा आप देखना। स्टार्ट हो चुका है, 4 बज चुके हैं और अभी नमाज पढ़नी है, 5 टाइम की नमाज है। आपको दिखाते हैं क्या क्या बन रहा है। नीचे क्या फल वल लाना था बट भूल गया दिखाना आपको। अब नमाज पढ़ने की बारी है और मम्मी सब कुछ बना रही है। आप नहीं पढ़ रहे नमाज? तो भाई फुल प्रिपरेशन चल रही है यहाँ। पकौड़े की, गोभी के पकौड़े, आलू, ब्रेड पकौड़े, बेसन, इधर चना है। ये देखो यहाँ पे ब्रेड पकोड़े, बेसन वोरा और सब चीजें रेडी है। अभी बना रहे हम दोनों भाई, बावर्ची मेन ये है। बिकॉज मम्मी को थोड़ा सा रेस्ट दे रखा है हमने। मम्मी एकदम से गांव से आई है तो हम काम करने ही नहीं देंगे, है ना भाई। भाई ये बावर्ची है ना, थोड़ा एक्सपर्ट टाइप का है। लो ये कढ़ाई का तेल है ना, जान पे फेंक रहा है पूरा। ये बावर्ची थोड़ा डेंजर सा है। मम्मी ने गोभी को ज्यादा उबाल दिया और ये गोभी के दम निकल रहे हैं। दिनेश आया है, वो मिलने आया है और उसको पता नहीं है कि आज फास्ट है। तो मम्मी कह रही है इसको बुला ले घर पे इफ्तार के लिए। तो जस्ट जा रहा हूँ मैं उसको बुलाऊंगा बिकॉज उसका कॉल नहीं लग रहा। उसने बीकानेर पे बुलाया, मैं बीकानेर पे जाके उसे पिक करके और फिर घर आता हूँ उसको लेके। हो गई, मारो भाई रास्ते से, धक्का मारो भाई, वहाँ पहुँच जाता हूँ, धक्का मारो। देख रहे भाई कितने अनलक्की, आते आते गाड़ी पंक्चर कर दी इन्होंने। अम्मी बुला रही है घर पे। हाँ भाई सेम सेम गाड़ी। कौन सी तेरी वाली है? बनवा लेना, बनवा लेना। बंदा का गाड़ी जमा करके जा रहा है अपने घर। ज़्यादा ही फेमस है लग रहा है ना कटवारिया में, बड़ा पाव फेमस है। हमें नहीं पता यार, आते कभी गाड़ी का कटवारिया का है। क्या बोला तूने? अच्छी किस्मत है बच्चे तेरी। कोई बात नहीं भाई, हमारे तो किस्मत ही रहती है हमेशा। इसको बांधने से क्या होता है? बांधने से जिहान आता है, दिमाग पाप कम होते हैं। तो जस्ट 3 मिनट रह गया, अभी 3 से 4 मिनट रह गए और फिर अबे बस कितने 4 से 5 मिनट, 4 से 5 मिनट में खत्म हो गया। तू खाई हो। तो जस्ट नमाज वमाज खत्म हुई, अब इफ्तार कर रहे हैं। तो इस ब्लॉग को यही खत्म कर पूरी सुबह सुबह। अच्छा देखो भाई इफ्तार खा के सबसे ज्यादा इसी ने खाया है और देखो पेट वेट निकल गए इसके। और अभी वैसे सोया है। अमन आप क्या खाएगा रात में? कुछ भी नहीं, नहीं खाने। अगर रसमलाई आए तो इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।